ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 27 मई के ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें बधाइयाँ देते हैं। सिर्फ पिता होकर के नहीं, लेकिन पिता एक शिक्षक और एक सदगुरु भी होकर के, तीनों रोल्स। जब हम भक्ति करते थे तो उस समय परमपिता परमात्मा हमारे लिए पिता नहीं, हमारे लिए भगवान होते थे। थोड़ा दूर का संबंध होता था, लेकिन जैसे ज्ञान मिला कि मैं तो एक आत्मा हूँ और परमात्मा भी एक आत्मा है, मुझ आत्मा के पिता हैं, शरीर के नहीं लेकिन मुझ आत्मा के पिता हैं, तो मुझे उनसे क्या मिलेगा? आत्मिक प्रेम, आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शक्ति और आत्मिक आनंद, ना कि शारीरिक प्रेम, सुख, शांति, आनंद। तो हमें तब समझ आता है कि परमपिता परमात्मा तो हम आत्माओं को मुक्ति देने वाला है, और वो इस समय आकर के, जबकि कलयुग परिवर्तन होने वाला है, कलयुग से सत्ययुग आएगा। आप चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, जो लड़ाई के नगाड़े हो रहे हैं, जिसको कहा गया है हर एक धर्म में कि अंतिम समय आएगा, या महाकाल का समय आएगा, या आप कहें कयामत का समय आएगा, या एंड ऑफ डेज आएगा, तो वो चीज़ों की बातें आज हो रही हैं। लेकिन समय अभी भी थोड़ा सा बाकी है। उस समय में, ये कॉन्फ्लुएंस एज, ये संगम युग के समय में, परमात्मा पिता बन करके और एक टीचर बन करके, शिक्षक बन करके और एक सतगुरु बन करके हमें ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन कर रहे हैं बहुत गुप्त तरीके से। लोग एक तरफ जा रहे हैं दुनिया, और हम परमात्मा की गाइडेंस से दूसरी तरफ। अब ये कौन सी दुनिया की तरफ हम चल रहे हैं, वो तो आप 7 डेज का जब कोर्स करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो लेकिन आज का ये ईश्वरीय वरदान पढ़े। परमात्मा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में, ब्रह्म कुमारीज में जो भी आते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं, वो एक सच्चे सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, कोख वंशावली नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा, मल्टी मिलियन टाइम्स भाग्यशाली बनने की बात कर रहे हैं परमात्मा। तो संगम युग पर, हमारे लिए ये संगम युग है, दुनिया वालों के लिए कलयुग है। संगम युग कैसे है वो आप समझने के लिए आप 7 डे का कोर्स करें, आपको समझ आ जाएगा कि ये संगम युग कैसा हुआ। कलयुग का परिवर्तन होकर के सत्ययुग आने वाला है, तो बीच का जो ट्रांजिशन का समय है या परिवर्तन का समय है, उसको कहते हैं संगम युग। तो संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं, और बधाइयां किससे मिलती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन किससे मिलता है, परमात्मा पिता से ही। लेकिन क्या करने से मिलता है? बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं कि पिता मिला तो हमें हमारी मिल्कियत मिली, हमें हमारा वर्षा मिला, हमें हमारी प्रॉपर्टी मिली, हमारा फॉर्च्यून मिला। कि परमात्मा क्या बनाते हैं, नर्क को स्वर्ग, तो हमें कहाँ भेजेंगे, नरक से स्वर्ग, लेकिन उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। इसलिए बाप के रूप स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं, फिर शिक्षक के रूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल, पास विद ऑनर बना रहा है। तो अगर स्वर्ग में जाना है नरक से, तो स्वर्ग में जाने के लिए परमात्मा पिता सिखाते भी हैं, एजुकेशन देते हैं। तो ब्रह्म कुमारीज इसलिए एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर परमात्मा डायरेक्ट एजुकेशन दे रहे हैं हमें कि कैसे अपने आप को सुधारो, एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल वे में। क्योंकि परमात्मा जो है हाईएस्ट फिलोसोफर, हाईएस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और वो सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी साइकोलॉजी को चेंज करें। इसलिए वो शाबाश शाबाश कर रहे हैं कि जब हम उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तो शाबाश शाबाश मेरे बच्चे का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में, दुनिया वाले सतगुरु, ट्रू गुरु नहीं हो सकते, परमात्मा केवल एक है और वही सच्चा गुरु है, जो कि हमें गाइड करता है मुक्ति में। तो सतगुरु एक ही है। तो सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं, कि परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं कि तुमने कलयुग में पाप किए, द्वापरयुग में भी पाप किए, और पाप तो ऑब्वियसली करा जाता है, तो किसी और आत्मा के साथ ही किया जाता है, किसी और आत्मा को ही हम दोष देते हैं या उनके साथ ही कुछ बुरा करते हैं। तो अब तुम्हें अपने जो विकर्म है, पाप कर्म है, उनको तुम्हें ठीक करना है, और उसके लिए वो हमें गाइड करते हैं सदगुरु में करके, ताकि हम मुक्त हो जाएं सारे पापों से और ऊपर जाने के लायक बन जाएं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि
सदगुरु के रूप में श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मापदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। भाग्य कौन सा? नरक से स्वर्ग जाने का भाग्य, इसी जन्म में स्वर्ग जैसा जीवन महसूस करने का भाग्य। तो ये करते कैसे हैं? इतनी सुख शांति प्रेम आनंद खुशी हल्कापन कैसे महसूस हो सकता है इसी जन्म में सब कुछ करते हुए, घर बार संभालते हुए, ऑफिस संभालते हुए, बिजनेस संभालते हुए। उसके लिए आप इस 7 दिन के पाठ्यक्रम को ब्रह्म कुमारीज में जाकर के जरूर करिए। इसके साथ ओम शांति।